हेलो दोस्तों, टीवी सीरियल भाग्य लक्ष्मी में अब तक आपने देखा ऋषि जो है लक्ष्मी से मलिष्का के लिए माफी मांगता है, तो वही दूसरी ओर लालू जो है ऋषि के घर पर आती है। आयुष उसके कान में झुमके को ना देखकर उसके कारण पूछता है, तो अपनी चाची की बेटी नेहा का नाम लेते लेते रुक जाती है क्योंकि वो उसकी तरफ को आंखें निकाल देती है। तो वही दूसरी ओर बलविंदर भी जो है दशहरे में रावण बनाने वाली मंडली में शामिल हो जाता है। तो अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे सभी घर वाले दशहरे में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऋषि को तैयार न देखकर नीलम उसे जल्दी से तैयार होने को कहती है। दादी उसे लक्ष्मी को भी लाने के लिए कहती है, जिस पर नीलम चिढ़ जाती है। ऋषि जैसे ही लक्ष्मी को लेने के लिए कमरे में पहुंचता है तो लक्ष्मी से अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता। तो वही दूसरी ओर बलविंदर जो है एक गुलदस्ते पर नशे की स्प्रे कर देता है ताकि वो ऋषि तक पहुंचा सके। दशहरे में आई एक लड़की को वो गुलदस्ता देने के लिए कहता है तो वो उसको चाटा मारती है, जिस पर ऋषि उसको देख लेता है और उसको पहचान भी लेता है कि ये बलविंदर है। उसे बलविंदर को लेकर लक्ष्मी की कुछ बातें भी याद आती है, जिस पर लक्ष्मी आयुष को कहती है कि वो ऋषि को कुछ भी ना बताए। असल ऋषि जो है लक्ष्मी की बात छुपकर सुन लेता है कि बलविंदर उसके पीछे पड़ा हुआ है। जो भी सारा होटल में काम हुआ है वो सभी बलविंदर ने किया है। जो है बलविंदर का कॉलर पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है और जमकर उसकी धुलाई करता है और उससे अब तक जो भी हुआ वो सारी बातें पूछने की कोशिश करता है, लेकिन बलविंदर जरा भी मुंह नहीं खोलता। बलविंदर को ऋषि की मार खाते देख वो अपने मन में कहता है कि मैं तो रावण को जलाने आया था, लेकिन इस रावण ने तो मुझे ही मारना शुरू कर दिया। कुछ भी करके मुझे अपनी जान यहाँ से बचाकर भागना पड़ेगा। वही दूसरी ओर नीलम जो है एक फैसला करती है, दशहरे के रावण को जलाने के लिए इसका जो है अग्नि को ऋषि के हाथों में देगी। इस बात को सुनकर दादी और ऋषि के पापा को बुरा लगता है और वो उससे पूछते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन नीलम उसके किसी भी सवालों का जवाब ना देकर उनको चुप रहने के लिए कहती है। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि क्या बलविंदर सारा सच ऋषि को बता देगा या फिर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगा। साथ ही नए प्रोमो में ये भी दिखाया गया है ऋषि को जो है रावण के पीछे लटका दिया गया है। ये सभी बातें अब आगे आने वाले एपिसोड में ही पता लग सकेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।